हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल है? आज हम शुरू करते हैं बेटा फर्स्ट ईयर की फिजिक्स। पहला प्रथम जो प्रश्न पत्र है तो उसका दूसरा लेशन बेटा मापन तथा मात्रक या मात्रक तथा मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यहाँ से बेटा पहली स्केच लगाएंगे। कॉपी कलम निकाल लो, रजिस्टर बनाना शुरू करो, नोट्स बनाना शुरू करो। तो यहाँ से बेटा पहली स्केच क्या लगाएंगे बेटा? भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ क्या हैं बेटा? भौतिक राशियाँ क्या हैं? तो वे राशियाँ, भौतिक राशियाँ क्या है बेटा? वे राशियाँ, बंद कर दो। वे राशियाँ बेटा, भौतिक राशियाँ क्या हैं बेटा? यानी वे राशियाँ जिन्हें हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बेटा माप सकते हैं, जिनका मापन कर सकते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वे राशियाँ बेटा भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे यानी प्रत्यक्ष माप का मतलब डायरेक्टली माप करना प्रत्यक्ष माप, और इनडायरेक्टली जो मापन होता है वो क्या होता है बेटा? अप्रत्यक्ष माप। जैसे किसी क्लास में बेटा बच्चे बैठे हों और किसी बच्चे से बोल दिया जाए कि बेटा इसमें काउंट करके बताइए, तो ये कौन सी माप हुई? वो जो बच्चा काउंट करेगा वो स्वयं काउंट कर लेगा, उसको किसी पैमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बेटा कौन सी माप है? ये प्रत्यक्ष माप है, यानी खुद काउंट कर लेगा, ये प्रत्यक्ष माप है। और यदि कोई ऐसी माप हो बेटा जिसको मापने के लिए हमें पैमाने या स्केल की कुछ ज़रूरत पड़े, तो वो बेटा क्या है? अप्रत्यक्ष माप है। तो जैसे बच्चों को काउंट करना, ये बेटा कौन सी माप है? ये प्रत्यक्ष माप है। और जैसे किसी का टेम्परेचर मापना हो, तो क्या टेम्परेचर ऐसे मापा जा सकता है? नहीं, उसमें थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो थर्मामीटर क्या है बेटा? थर्मामीटर के द्वारा जो माप लेंगे वो क्या है बेटा? अप्रत्यक्ष माप है। तो वे भौतिक राशियाँ या वे राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिकी परिघटना से होता है, जिन्हें हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बेटा माप सकते हैं, वे भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। यानी ऐसी राशियाँ जिन्हें हम या तो प्रत्यक्ष रूप से माप लें, या फिर नहीं प्रत्यक्ष संभव है तो फिर अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे कि टेम्परेचर मापना, किसी के शरीर का टेम्परेचर मापना बेटा, ये प्रत्यक्ष माप संभव नहीं है। तो यहाँ पर हम अप्रत्यक्ष रूप से मापेंगे, टेम्परेचर जो है वो थर्मामीटर के द्वारा नाप लेंगे। तो ऐसी राशियाँ जिनका मापन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम कर सकते हैं, ऐसी राशियों को बेटा भौतिक राशियाँ कहते हैं। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि ऐसी कौन सी राशियाँ हैं जो भौतिक राशियाँ नहीं हैं? सबके मन में एक विचार आ रहा होगा कि भौतिक राशियाँ तो सब हैं, क्योंकि कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं बेटा जिनका माप हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं, और कुछ राशियाँ बेटा ऐसी होती हैं जिनका माप हम अप्रत्यक्ष कर सकते हैं। कुछ लोगों के मन में ऐसे जवाब आ रहे होंगे कि ऐसी कोई राशियाँ हैं ही नहीं जो कि भौतिक की श्रेणी में नहीं हैं, जिन्हें हम भौतिक राशियाँ नहीं कह सकते हैं। सोचो, बताइए ऐसी कौन सी राशियाँ हैं बेटा जो भौतिक राशियाँ नहीं हैं, जिनका मापन बेटा ना तो हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं और ना ही हम अप्रत्यक्ष कर सकते हैं। यदि कोई ऐसी राशियां हैं जिनका मापन ना तो हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं ना तो बेटा अप्रत्यक्ष कर सकते हैं, तो ऐसी राशियां बेटा भौतिक राशियां नहीं हैं। तो वो राशियां कौन सी होंगी? सोचिए, बताइए कौन सी होंगी वो राशियां, कौन सी होंगी? नहीं पता है, हम खुद बता दें। देखिए, जैसे कि क्रोध, जो क्रोध है बेटा, तो क्रोध का कोई मात्रक नहीं है। क्रोध को ना तो हम माप सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से और ना तो हम किसी पैमाने की सहायता से, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से। क्रोध का कोई मापन है ही नहीं, ना तो इसको प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है और ना तो बेटा अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये क्रोध कैसी राशि बेटा? ये भौतिक राशि की श्रेणी में भाग नहीं लेगी, तो ये भौतिक राशि नहीं है। इसी प्रकार से बेटा दया, दया का मापन जो है ये ना तो प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं ना तो बेटा अप्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं। तो ये दया क्या है बेटा? ये क्या है? भौतिक राशि नहीं है। ईर्ष्या, ईर्ष्या, कपट, ये सब क्या बेटा?
जो ईर्ष्या है इस ये भौतिक राशि नहीं है, क्योंकि ईर्ष्या जो है बेटा इसका ना तो हम प्रत्यक्ष रूप से मापन कर सकते हैं, ना तो बेटा हम अप्रत्यक्ष रूप से मापन कर सकते हैं। तो कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम ना तो प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं बेटा, ना तो अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं। तो ऐसी राशियों को बेटा क्या कहा गया है, भौतिक राशियाँ किस जो हैं वो इस इन राशियों को बेटा भौतिक राशियाँ नहीं कहा गया, ये भौतिक राशियों की श्रेणी में भाग नहीं ले सकती हैं। अच्छा ये बताइए, घमंड, घमंड क्या है बेटा, ये जो है भौतिक राशि है या नहीं है? कुछ लोग कह रहे हैं है, ये बेटा भौतिक राशि नहीं है, क्योंकि इसको ना तो हम प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, ना तो किसी पैमाने के द्वारा नाप सकते हैं, ये भौतिक राशि की श्रेणी में नहीं ली जा सकती है। अब देखिए हम बात करेंगे बेटा भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो भौतिक राशियाँ समझ में आ गई होंगी क्या हैं, जिन्हें हम किसी पैमाने या खुद माप सकते हैं उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं, जिनकी कोई माप संभव नहीं है तो ऐसी राशियों को बेटा भौतिक राशियाँ हम नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो ये भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, तो ये बेटा दो प्रकार की होती हैं, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ क्या बेटा, वे भौतिक राशियाँ, मूल राशियाँ जो हैं वो क्या हैं बेटा, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें हम एक दूसरे के पद में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ऐसी राशियों को बेटा हम मूल राशियाँ कहते हैं। और जो व्युत्पन्न राशियाँ हैं बेटा वो क्या हैं, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें हम एक दूसरे के पद में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा, व्युत्पन्न राशियाँ। यानी इन्हें क्या है बेटा, इन्हें एक दूसरे के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। यानी इसकी इनकी परिभाषा जैसे कहनी है तो कैसे कहेंगे, वे भौतिक राशियाँ, क्योंकि इनका संबंध जो है भौतिकी परिघटना से है बेटा, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें हम एक दूसरे के पद में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, व्यक्त नहीं कर सकते हैं यानी वे भौतिक राशियां जिन्हें हम एक दूसरे के पद में व्यक्त नहीं की कर सकते हैं, या जिन्हें एक दूसरे के पद में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जिन्हें एक दूसरे के पद में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। और इन्हें क्या है बेटा, वे भौतिक राशियां, इनकी परिभाषा क्या बेटा, इनमें नहीं किया जा सकता, इनमें क्या बेटा किया जा सकता है। देखिए वे भौतिक राशियाँ, यानी भौतिक राशियाँ जो होती हैं बेटा दो प्रकार की होती हैं, एक तो मूल, दूसरी बेटा व्युत्पन्न। यानी वे भौतिक राशियाँ जिन्हें हम एक दूसरे के पद में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ऐसी राशियों को बेटा मूल राशियाँ कहते हैं। और व्युत्पन्न राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें हम एक दूसरे के पद में व्यक्त कर सकते हैं, जिन्हें हम एक दूसरे के पद में बेटा व्यक्त कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। यानी वे भौतिक राशियां, देखें मूल राशियों का जो कांटेक्ट है वो कहां से बेटा, भौतिक से है। तो कैसे, वे भौतिक राशियां जिन्हें हम एक दूसरे के पद में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें क्या है बेटा, मूल राशियां कहते हैं। और वे भौतिक राशियां जिन्हें हम एक दूसरे के पद में व्यक्त नहीं कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे एक दूसरे के पद में व्यक्त करने का मतलब ये, जैसे कि यहाँ पर दूरी, समय, ताप, ये सब क्या बेटा, ये मूल राशियां हैं, इन्हें हम एक दूसरे के पद में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। और बेटा जैसे ये हैं व्युत्पन्न राशियाँ, ये चाल हो गया, वेग हो गया, ये सब क्या बेटा, ये हैं बेटा व्युत्पन्न राशियाँ। जैसे कि बेटा चाल को हम एक दूसरे के पद में तोड़ सकते हैं, जैसे कि बेटा हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ से बेटा चाल को
मैंने एक दूसरे के पद में डिवाइड कर रखा है। चाल बराबर दूरी बेटे समय, यानी चाल को जब मैंने तोड़ा तो दो पोर्शन में डिवाइड हुई चाल, दूरी और समय में। इस तरीके से इनमें कोई ऐसा पोर्शन नहीं जिसको हम तोड़ें तो दो पोर्शन में डिवाइड हो जाए। तो वे भौतिक राशियाँ जिन्हें हम एक दूसरे के पद में व्यक्त कर सकते हैं। चाल को बेटा एक दूसरे के पदों में व्यक्त किया गया है, बट यहाँ पर ऐसी कोई राशि नहीं है जिसको हम एक दूसरे के पद में व्यक्त करें। तो वे भौतिक राशियाँ जिन्हें एक दूसरे के पद में व्यक्त नहीं कर सकते हैं वे क्या कहलाती हैं बेटा? मूल राशियाँ। और जिन्हें कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। तो ये डेफिनेशन नोट कर लें फिर आगे बढ़ें। और देखिए बेटा, मूल राशियाँ जो होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं बेटा? केवल सात होती हैं। इनकी जो संख्या होती है मूल राशियों की बेटा, जो संख्या होती है वो सात होती है। मूल राशियाँ केवल सात होती हैं। तो वो कौन कौन सी मूल राशियाँ हैं बेटा? जैसे दूरी या लंबाई कह सकते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, विद्युत धारा, लंबाई, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, तो ये तीन तीन छः हो गई। और देखिए लंबाई का मात्रक क्या होगा बेटा? मीटर। और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। ये बेटा क्या है? ये मूल राशियां हैं। और ये क्या है? इनके मात्रक हैं, यानी मूल मात्रक हैं। ये मूल राशियां, ये मूल मात्रक। तो मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? सात होती है। कितनी होती बेटा? तो मूल राशियों की संख्या कितनी होती बेटा? सात होती हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। एक राशि कम पड़ गई, वो क्या है? समय। ये बेटा समय हो गया, समय का मात्रक सेकेंड। तो मूल राशियों की संख्या कितनी होती बेटा? सात होती है। जो मूल राशियों के मात्रक होते हैं बेटा वे क्या होते हैं बेटा? मूल मात्रक होते हैं। तो यहाँ पर मूल राशियों को क्या व्यक्त किया जा सकता है एक दूसरे के पद में? नहीं व्यक्त किया जा सकता है। और व्युत्पन्न राशियों को एक दूसरे के पद में व्यक्त किया जा सकता है। तो परिभाषा की बात की जाए तो वे भौतिक राशियाँ जिन्हें एक दूसरे के पद में व्यक्त नहीं कर सकते हैं उन्हें बेटा मूल राशियाँ, और जिन्हें एक दूसरे के पद में व्यक्त कर सकते हैं ऐसी भौतिक राशियों को बेटा व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। मूल राशियों की संख्या फिक्स होती 7, इनकी संख्या कोई फिक्स नहीं होती है। नोट कर लीजिएगा।